नमस्कार, न्यूज स्टॉप इंडिया में आपके साथ मैं हूं रेखा मिश्रा। फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले दुकानदारों के लिए रांची नगर निगम की ओर से वेंडर मार्केट का निर्माण किया गया, लेकिन जब से कोरोना काल चल रहा है लॉकडाउन की वजह से वेंडर मार्केट लॉकडाउन के समय से ही अब तक बंद है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि पूरा वेंडर मार्केट जो है वो खाली है, वीरान पड़ा हुआ है। यहाँ पे ना तो आपको एक ग्राहक मिलेंगे ना ही दुकानदार मिलेंगे, क्योंकि दुकानदार जो है वो हमेशा आते रहते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक जो बोर्ड लगा है मैं वो आपको दिखाना चाहूँगी। 26 तारीख यानी कि कल से वेंडर मार्केट जो है वो आम लोगों के लिए खुलने वाला है। यहाँ पे आम नागरिक आ सकेंगे, दुकानदारी कर सकेंगे, दुकानदार आ सकते हैं, दुकान खोल सकते हैं, आम नागरिक आएंगे और वो भी शॉपिंग भरपूर तरीके से कर सकते हैं। तो जैसा कि अभी फिलहाल आपको ये नज़ारा दिख रहा है, एकदम अपने दुकान नहीं खुलने की वजह से पूरा वीराना पड़ा हुआ है। यहाँ पे दुकानदार जो हैं वो सारे लोग बैठे हुए हैं अपनी अपनी दुकान, जिसकी दुकान जहाँ लगती है वो वहाँ पे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि कोरोना की वजह से जब से लॉकडाउन लगा हुआ है तब से वेंडर मार्केट बंद है। ऐसे में वेंडर मार्केट के अंदर दुकान लगाने वाले लोगों को भी काफ़ी समस्या हुई, क्योंकि कहीं ना कहीं नगर निगम की ओर से वेंडर मार्केट का निर्माण इसलिए किया गया था कि जो लोग भी रोड में दुकान लगाते हैं उन्हें एक प्रॉपर दुकान मिल जाए और सही तरीके से यहाँ पर चीज़ों की खरीद बिक्री कर की जा सके। आप लोग सारे लोग यहाँ पे दुकान लगाते हैं? अच्छा बताइए, जब से लॉकडाउन है तब से ये बंद है तो कितनी समस्या हो रही है? बहुत समस्या हो रही है, बहुत परेशान आदमी है। हर दुकानदार जो है अपने बच्चे लोग के लिए बहुत दिक्कत हो गया, खाने पीने के लिए हर समस्या के लिए बहुत झेल रहा है लोग, इसलिए हम लोग बैठे हुए हैं। क्या नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद कासिम। अच्छा ये भी बताइए कि जैसे लॉकडाउन में वेंडर मार्केट बंद था लेकिन बाहर जैसे सरकार ने दुकान लगाने का आदेश दिया था, तो क्या रोड साइड आप लोग दुकान लगाते थे? नहीं, रोड साइड दुकान नहीं लगाते थे हम लोग तो यहीं दुकान मिला, यहीं से रोजी रोटी चल रहा था हम लोग का। जो बंद हो गया तो जितना तकलीफ झेल रहे। किस किस तरह की समस्याएं उठानी पड़ी? बहुत तरह का तकलीफ है, जैसे मान लीजिए रेंट में रहते हैं, खाना खुराक का तकलीफ है, बाल बच्चा का पढ़ाई का दिक्कत है ना, दवा दारू हर घर में भी दवा चाहिए होता है ना, हर घर में माँ बाप सबका चाहे अपना खुद का भी दवा चाहिए होता, पैसा का इतना प्रॉब्लम हो गया है, इतना प्रॉब्लम हो गया है कि कहना ही नहीं है। महाजन से हम लोग उधार माल लाते हैं, बेचते हैं, जो पैसा कमाते हैं सारा दिन जाते हैं घर में, खत्म हो जाता है, स्टॉक का पैसा है नहीं हम लोग पास। काफ़ी ज़रूरत की सामान आपके दुकान में उपलब्ध होती है, जैसे घरेलू की चीज़ें हो जाए, चाहे महिलाओं के चीज़ों इस्तेमाल करने की, तो ऐसे में क्या होम डिलीवरी भी आप लोग कर रहे थे? नहीं, होम डिलीवरी तो हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग काउंटर से। अभी जैसे कल से खुलने वाला है जरूर लौटेगी यार, हम लोग बहुत खुश हैं और इसके लिए डिप्टी मेयर को हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि वो हमारे मुसीबत में हमारे साथ खड़े थे, उनके लिए उनको हम पूरे दुकानदार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। किस तरह की मदद नगर निगम की ओर से आप लोगों की गई, जैसे जब दुकान बंद थी? हम लोगों को किसी तरह का निगम से कोई मदद नहीं मिली और हम लोग बहुत कष्ट झीले हैं, हमारे बाल बच्चों को भी कष्ट हुआ, ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, फीस तो देना है, रेंट में रह रहे भाड़ा तो देना ही पड़ रहा है, यही सब हम लोग का साथ बहुत मतलब इतना कष्ट हुआ कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। आज हम लोग का वेंडर मार्केट कल से खुलेगी, इसके लिए बहुत हम डिप्टी मेयर डीसी साहब को सबसे ज़्यादा तो हम डिप्टी डीसी साहब को देंगे धन्यवाद। पूरा वेंडर मार्केट काफ़ी लंबा समय लग गया दुकान खोलने में, तो ऐसा क्यों कि सभी चीज़ों को खोल दिया गया लेकिन वेंडर मार्केट नहीं खोला गया? अब ये तो निगम और ये सरकार ही बता सकता है, बाकी हम लोग तो मतलब हम लोग को खेल खेला जा रहा था हम लोग के साथ, अब बहुत ही अन्याय हो रहा था हम लोग के साथ। कोरोना काफी तेजी से फैल रहा है, तो क्या लगता है कि कल से जब दुकानदार दुकानें खुलेंगी तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा यहाँ पे? पूरे रांची शहर में नहीं, पूरे झारखंड में मैं चुनौती देता हूँ कि हमारे मार्केट में जितना अच्छा सोशल डिस्टेंस का मेंटेन हो सकता है ऐसा कोई मार्केट पूरे झारखंड में नहीं है किसी क्षेत्र में। दूसरी बात, इस मार्केट को सर्वप्रथम खुलना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर वेंडरों को बसाया गया है जो हर रोज़ कमा करके अपना घर परिवार चलाते थे, लेकिन आज हमारा मार्केट खुल रहा है, हम बहुत खुश हैं, बधाई देते हैं जिन्होंने सहयोग किया हमको, लेकिन साथ साथ हमको अफसोस है कि इस मार्केट को खुलवाने के लिए इतने दिनों तक हम लोगों को संघर्ष करना पड़ा और लास्ट में धरने पर बैठना पड़ा थाली कटोरा के साथ, तब इस मार्केट को खोलने का परमिशन मिला। उसके बावजूद जब जागे तब सवेरा अब मार्केट खुला है, पूरे मार्केट को सैनिटाइज किया गया है, हम लोग सारा जो गाइडलाइन बना हुआ है कोविड-19 का, जिला प्रशासन का जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करते हुए कल से बाजार को हम लोग खोलेंगे और हम लोग का पूरा प्रयास होगा 200%
कि इस मार्केट को फिर से उसी तरह से सुचारू रूप से हम लोग चलाने का काम करेंगे। अगर जज्बा आपका स्ट्रांग है तो आपकी आपके रास्ते में रुकावट नहीं आएगी। आप मुझे ये बताइए कि अगर कोई दुकान ग्राहक अगर आता है बिना मास्क के तो क्या आप उसे कोई सामान सेल करेंगे, क्योंकि कोरोना की लापरवाही लगातार देखी जा रही है, तो इसके लिए आप लोगों को कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा कि बिना मास्क के अगर लोग आते हैं तो उन्हें आप लोग कैसे मीन्स कंट्रोल करेंगे? हमारा जो है ना गार्ड वहाँ पर पूरा गाइडलाइन हम लोग उनको दे दिए हैं कि बिना मास्क वाला जो आएगा उनको एकदम एंट्री नहीं करना है। हाथ में सैनिटाइजर लगाइए, आप अंदर घुसिए मशीन लगा करके, उसके बाद हमारे दुकान में आइए, जो सरकार का जो गाइडलाइन है उस हिसाब से आप खरीदिए। भीड़ लग जाए तो हम लोग एक दुकानदार होकर के अलग करेंगे, उसके बाद ही हम अपना सामान बिक्री करेंगे। काफी लेट से खुल रहा है वेंडर मार्केट, तो क्या वो मैसेज देने में आप कामयाब होंगे कि कोरोना में आपका आपके दुकान से बेहतर कोई और दुकान नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना का भरपूर यहाँ पे सोशल डिस्टेंस का फायदा मिलेगा, तो क्या ये मैसेज देने में कामयाब होगा वेंडर मार्केट? जी जी, इसके तो वेंडर मार्केट एकदम पूरी प्रयास में भी है, और वेंडर मार्केट यहाँ पर जो मतलब जिस तरीके का अपना दिखाना चाहेगा कि हमारे दुकान में कितनी यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग है, गली चौड़ी है, दुकानें भी हमारी मतलब वो शटर वाली नहीं है, एक एक करके दुकान देख सकते हैं आपकी बारी, एक दुकान में फिर कम से कम तो 8 फुट और दुकानदार बैठेगा। इतने कस्टमर को ये भी फायदा होगा कि यहाँ पूरी खुली बात नहीं है, इसमें वो खतरे वाली बात नहीं है, संक्रमित होने की भी बात नहीं है। अगर उस तरीके की लगे कि हमको कुछ उनको समझाना है तो हम अपने तरीके से प्रयास करेंगे कि आपको यहाँ ये मार्केट हमारे और कल से हमारी मार्केट चलिए, ये चीज़ काफ़ी सही कहा इन्होंने कि ये मार्केट ऐसा है। सबसे पहले मैं चाहूँगी मेरे सहयोगी से कि एक बार इन तस्वीरों को दिखाएं, जो सोशल डिस्टेंसिंग की हम बात कर रहे हैं उसका भरपूर पालन यहाँ पे होगा, क्योंकि जिस तरीके से दुकानें बनी हुई हैं, अगर लोग गैपिंग करके भी बैठते हैं तो एक दुकानदार का दूसरे दुकानदार से गैपिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा होगा। जैसे कि आप यहाँ भी देख सकते हैं ये 3 रो बना हुआ है, तो अगर एक दुकानदार एक जगह बैठता है दूसरा दूसरी जगह बैठता है तो जो सोशल डिस्टेंसिंग जिसकी बार बार हम बात कर रहे हैं उसका भरपूर पालन हो सकता है। लेकिन उसके बाद भी आखिर क्यों सरकार ने वेंडर मार्केट को खोलने में इतना लंबा समय लगा दिया, जबकि कई ऐसे दुकानदार हैं जिनकी रोजी रोटी उनकी दुकान से ही चलती है, कई जरूरत के सामान चाहे वो घर के सामान हो, महिलाओं के सामान हो, बच्चे के सामान हो, सभी वेंडर मार्केट में उपलब्ध होते हैं, लेकिन इस दुकान को खोलने में काफी लंबा समय लग गया। लेकिन भले लंबा समय लगा लेकिन अब वो समय आने वाला है, तो अभी कितनी खुशी हो रही है, कल से मार्केट खुलने वाला है, वापस से वैसे ही गुलजार होगा, कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा खुश हो गया। किसे धन्यवाद देंगे? जितना वेंडर मार्केट पूरे रांची सस्ता सामान मिलता है वहाँ कहीं नहीं मिलता। हमने भी कई लोगों से बात की, बहुत दूर दूर के लोग इंतजार कर रहे हैं कि वेंडर मार्केट खुले, तो लोगों में एक ये भी अफवाह है कि आज से ही मार्केट खुलने वाला है, जैसे कि हमें भी यही बताया गया तो हम लोग आए, तो ये जो न्यूज़पेपर में पब्लिश हो गया है कि कल से मार्केट खुलने वाले हैं, 26 तारीख से हमारा मार्केट खुलेगा, और जितना सस्ता पूरे झारखंड में नहीं मिलता। एक कस्टमर की सोच होती है चलो वेंडर मार्केट में सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ मतलब सब कुछ मिलेगा और सस्ता मिलेगा। कितने दुकान यहाँ पे लगते हैं, कितने दुकानदार यहाँ पे लगाते हैं? अगर सभी बिल्डिंग की हम बात करें 400 दुकान में, ऊपर से नीचे तक 400 दुकान। यहाँ पे कुछ दुकानदारों की यही समस्या थी कि जैसे जो फर्स्ट फ्लोर पे जिनकी दुकानें लगती है उन्हें काफी अच्छा सेल होता है, लेकिन जिनकी सेकंड और थर्ड फ्लोर पे है वहाँ तक कस्टमर नहीं पहुँच पाते हैं, तो इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? उन्हें भी कुछ फायदा हो, शुरुआत में दिक्कत थी, जब नया मार्केट है तो शुरुआत में दिक्कत थी, अब जब नए मार्केट ऊपर नीचे सब जगह कस्टमर जा रहे हैं और सेल हो रहा है। जी मैं उनको भी लूंगी, मैं सबसे पहले चाहूंगी कि एक बार सभी को आप दिखाइए कि ये लोग कितने खुश हैं कि कल इनका दुकान खुलने वाला है और लोग आज से इंतजार कर रहे हैं, डिस्ट्री साइन भी दिखा रहे हैं, तो काफी खुशी है। तो आप समझ सकते हैं कि कोरोना ने ऐसे ही लोगों को आर्थिक रूप से बीमार कर दिया है, और ऐसे में अगर इनका रोजगार को जो होल्ड कर दिया जाए तो ऐसे में लोगों को कितनी समस्या होगी आप समझ सकते हैं। सहयोगी से मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा इधर आए, एक महिला भी है धन्यवाद। काफी लंबा समय लग गया, घर से चलाती थी, कर्जा में पूरा
प्रतिमा जी। प्रतिमा जी काफ़ी खुश है, काफ़ी लंबे समय से ये काम कर रही थी और यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगी कि कुछ दुकानें भी हैं वो आप पे खुल रही हैं, सफाई चल रही है क्योंकि काफ़ी समय से दुकानें बंद थी तो काफ़ी दूर हो गए थे। थोड़ा इधर आइए, थोड़ा अपना रिएक्शन दीजिए कि कैसा लग रहा है काफ़ी समय बाद अपनी दुकानें खोल रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? 5 महीने से मार्केट हमारा बंद था और हम रोड में लगाते थे, उसके जरिए हमको दुकान यहाँ मिला था। अभी क्या लग रहा है दुकान खुलने के बाद भरपाई हो पाएगी परेशानियों की? तो हो गई, मतलब कि अब तो कुछ तो मैनेज करना ही पड़ेगा, महाजन को भी बोलना पड़ेगा। अब महाजन ऐसा है कि थोड़ा सा मानेंगे, ताकि हम लोग स्थिति एकदम आर्थिक खराब हो जाता। अब बहुत दिक्कत से ही हम लोग चले हैं। चलिए, इनके चेहरे पे खुशी भी है, थोड़ी उदासी भी है, लेकिन कल से दुकान जो है वो खुलने वाले हैं। अब देखिए ये सब सिस्टम ये है, पाँच फ्लोर क्या है कि 2 फ्लोर में हम लोग को फुटपाथ को दिया गया। अच्छा, हम लोग का ये 5 फ्लोर है जिसमें 2 फ्लोर है जो फुटपाथ लोग को दिया गया है, जो 7 फ्लोर है और 3rd फ्लोर जिसमें फुटपाथ है, और जो 3rd फ्लोर है और जो 5वां फ्लोर है वो ऑनलाइन चल रहा है। वो मतलब कि हाँ ऑनलाइन सब भी, जो मतलब जिसको दुकान अगर लेना है वो ऑनलाइन वगैरह नगर निगम उसके माध्यम से। चलिए, नगर निगम की ओर से वेंडर मार्केट का निर्माण इसलिए ही किया गया था कि जो फुटपाथ पर जो लोग दुकान लगाते हैं उन्हें एक प्रॉपर दुकान मिल जाए जहाँ पर वो इज्जत के साथ, मान सम्मान के साथ अपने सामानों को सेल कर सके। और लॉकडाउन ने इन दुकानों को बंद कर दिया था, लेकिन अब जब दुकान खुलने वाला है तो लोगों में काफ़ी खुशी है। दुकानदार उदास भी हैं, साथ साथ एक चेहरे पे उदासी के साथ साथ एक अंदरूनी खुशी भी है जो साफ तौर पर इनके चेहरे पे झलक रही है। अब देखना होगा कि कल से दुकान खुलने के बाद ग्राहक कितना सपोर्ट देते हैं इन्हें और कितनी भरमार तरीके से यहाँ पे लोगों की सामान की जो है वो बिक्री हो पाती है, ये भी देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। कल से दुकान खुलने वाले हैं, लोगों में काफ़ी खुशी है। अब देखना होगा कि ग्राहक अपना कितना प्यार एक बार फिर से वेंडर मार्केट पर दिखा पाते हैं, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। सहयोगी शशि के साथ रेखा मिश्रा, न्यूज़ टॉप इंडिया, रांची।